लेकिन वहां पे तो हर बंदा ही जीत के आ रहा है। क्लार्क जीत गया, पॉन्टिंग जीत गया, स्टीव वॉ जीत गया, एलन बॉर्डर जीत गया, पैट कमिंस जीत गया, सब जीत गया, ट्रॉफी जीत गया, वो कह रहे जो आज जीत गया वो वर्ल्ड कप भी जीत गया। आप सोचो जो आज जीत जाओ भाई, तो और अगर ऑस्ट्रेलिया इसको टी20 वर्ल्ड कप में कप्तान नहीं बनाती हो सकता है वहां भी कुछ ना हो जाए। नहीं नहीं, आप पहले वो दिखाओ कि मोहम्मद कैफ ने क्या लिखा था। तो मोहम्मद कैफ ने लिखा था कि ऑन पेपर इंडिया बेस्ट टीम है, मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, और उन्होंने बोला था मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि बेस्ट टीम जीती है, बिकॉज बेस्ट टीम ऑन पेपर इंडिया ही है। कैफ का जो है स्टेटमेंट, हाँ थोड़ा सा ऊपर करिएगा, आई कैन नेवर एक्सेप्ट दैट द बेस्ट टीम हैज वन द वर्ल्ड कप इज द बेस्ट टीम ऑन पेपर। तो उसने बोला आई कैन नेवर एक्सेप्ट दैट द बेस्ट टीम हैज वन द वर्ल्ड कप। अब डेविड वॉर्नर ने इसके ऊपर करारा जवाब दिया है। मंदार बोल रहे हैं व्हाट आर योर व्यूज ऑन पडिकल एंड आवेश स्वैप। हाँ, पडिकल का तो हमने, आवेश खान का तो बना लिया था हमने, वो उनका कैसा गया है, बिकॉज पडिकल राजस्थान रॉयल्स से चले गए हैं लखनऊ, और लखनऊ से आवेश चले गए हैं राजस्थान रॉयल्स। डेविड वॉर्नर बोल रहे हैं आई लाइक, और पूरे पूरे स्क्वाड भी दिखाना, मतलब पूरी प्लेइंग 11 दिखाना मुझे, लास्ट प्लेइंग 11 राजस्थान रॉयल्स की और लखनऊ की। आई लाइक मोहम्मद कैफ, इफ इशू इज that it does not matter what's on paper. At the end of the day, you need to perform when it matters. सही बात है भाई, सीधा सीधा on point कुमार के कोई जवाब दिया है। बोला है कि भैया at the end of the day, you need to perform when it matters. That's why they call it a final. That's the day that counts and it can go either way. That's sports. 2027 here we come. वो तो बोल रहा है भाई ये तो हो गया, 2027 आ रहे हैं हम। और उसने सीधा सीधा बोल दिया भाई कि ये सब फर्क नहीं पड़ता कि पेपर पे क्या है, आपको परफॉर्म तब करना पड़ता है जब मैटर करता है। आप तब परफॉर्म नहीं कर पाए जब मैटर करता था, आप चोक कर गए। सीधा सीधा यही बोल रहा है, और क्योंकि आप चोक कर गए हमारी रियलिटी रही है। और जो दिन काउंट करता है, फाइनल को फाइनल इसीलिए बोलते हैं बिकॉज वो फाइनल डे है भाई, यहाँ पे परफॉर्मेंस आना चाहिए। जो ये थोड़ी होना होता कि तुमने सारे साल जो क्लासरूम के एग्जाम है उसमें अच्छा करा, बोर्ड्स के एग्जाम में जाके मिट्टी मिली तो गई, तो बोल रहे नहीं जी मेरा बोर्ड का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, ये तो बात नहीं होती ना। लास्ट एग्जाम, फाइनल एग्जाम जो उसको निकालना होता है, और वो ऑस्ट्रेलिया निकाला है, आपने नहीं निकाला, तो मुझे लगता है मोहम्मद कैफ भी ना थोड़े से भावुक हो गए। भावुक नहीं, गलती लिखा है उन्होंने भाई, जो टीम ये लिखना तो बनता नहीं है। तुम 10 मैच जीते हो लगातार, वो 9 मैच जीते लगातार इंक्लूडिंग फाइनल, इंक्लूडिंग फाइनल, तो वो ज्यादा डिजर्व कर रहे हैं भाई तुमसे, और उन्होंने तुम्हें वन साइड हराया, तुम मैच में भी नहीं थे, फिर तुम बोल रहे हो कि हमारी टीम बेटर है। शायद अगर बेस्ट ऑफ 3 होगा तो तुम जीत जाओगे, लेकिन बेस्ट ऑफ 3 क्यों होगा भाई, जब आज तक सिर्फ एक ही फाइनल होता है। तो ये फालतू की बात है। डेविड वॉर्नर ने बड़ा करारा जवाब दिया और बड़ा सही जवाब दिया, और मुंह तोड़ जवाब दिया। और अगर वर्ल्ड कप में भी बेस्ट ऑफ 3 होने लगे भाई, तो फिर इसकी वर्ल्ड कप किस बात का, इसकी बड़ी बात है। इसकी बड़ी बात मुझे ये लगी कि भाई एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू परफॉर्म व्हेन इट मैटर्स। जब मैटर करता है, उन्होंने सीधा बोल दिया, तब तक तुमसे परफॉर्मेंस नहीं होती और तुम बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी। तो बिल्कुल ठीक बोला भाई डेविड वॉर्नर ने। बाकी पैट कमिंस की वो जो तस्वीर आई है, फिर रहे मारे मारे एयरपोर्ट पे, हम नहीं बढ़ता अगर आप मुझे ना चुने, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो सिलेक्टर्स, वैसे ये कमाल की जगह है इंडिया, जहां पे प्लेयर सिलेक्टर को बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं यार मुझे मत रखियो। सोच सकता है वैसे तू, हार्दिक पांड्या ने क्या बोला था याद है? हार्दिक पांड्या जब टी20 वर्ल्ड कप खेल के आया था तो कहता है कि मैंने सिलेक्टर्स को बोला कि मुझे मत रखना अभी। मतलब प्लेयर सिलेक्टर को बोल रहा है कि मुझे रखियो या मत रखियो, ओए सिलेक्टर ओए हिल रहा अभी मत रखियो मेरे को बेटा चल। ये इसीलिए तो तुम हारते हो, क्योंकि सिलेक्टर के पास अल्टीमेट पावर, इसीलिए तुम हारते हो।